हाय एवरीवन, अल्कोहल फिनॉल और इथर से एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11.11 तक कर लिया था हमने, लास्ट लेक्चर तक। नेक्स्ट 11.12 क्वेश्चन है कि यू आर गिवेन बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट्स। तीन चीज दिया हुआ है, बेंजीन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और NaOH है। ये तीनों का इस्तेमाल करके आप फिनॉल कैसे बनाओगे वो बताना है। ये डायरेक्टली आपको नोट्स में मिल जाएगा सब डिटो, तो बस एक बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बस यही समझ लो। तीन चार स्टेप्स तो लगेंगे ही। देखो, ये तीन चीज दिया हुआ है, एसिड है, बेस है या बेंजीन है, जिसमें हम लोग को OH लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि बेंजीन का हम लोग करवाते हैं सल्फोनेशन, बेंजीन का सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये सल्फोनेशन कैसे होता है ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 आपस में मिलकर के क्या क्या बनाता है, H3O+, HSO4- और SO3, यही बनाता है। बैलेंस्ड है, देखो दो दो चार हाइड्रोजन तो तीन और एक चार, SO4 दो है, SO4 और SO3 और एक ऑक्सीजन यहाँ हो ही गया। अब यह जो SO3 होता है इससे बेसिकली हम इलेक्ट्रोफाइल लेकर के चलते हैं और वहाँ से फिर रिएक्शन होता है ना ऐसा, मतलब ये सल्फोनेशन हम थोड़ा सा याद दिलवा दे रहे हैं, उसका नीड नहीं है यहाँ, लेकिन सल्फोनेशन थोड़ा सा याद दिलवा रहे हैं बस। SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, सल्फर पे प्लस आएगा, बेंजीन पाई देगा, अपने आप शिफ्ट नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या है कि एसिड है तो किसी एक ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है, ऐसे H+ यदि है तो H+ ऑक्सीजन का लोन पेयर से जुड़ जाता है और लोन पेयर से जुड़ने के बाद ही ऐसा हो जाता है और यहाँ जाता है प्लस, तब जाकर के बॉन्ड शिफ्ट करता है ऑक्सीजन का प्लस को हटाने के लिए, फिर सल्फर पे प्लस आता है तो बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको देता है। और दे करके समझ लो कि यहाँ से हम डायरेक्टली बना दे रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, डायरेक्टली मतलब पहले तो ऐसा होगा कि यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, इस पर प्लस आएगा, देन एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए इसको यहाँ लेगा, H+ फिर बाहर निकल जाएगा, जो H+ जुड़ा था कैटलिस्ट के रूप में है तो ऐसे। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया इसका सल्फोनेशन से। अब तुम यहाँ मीडियम में लिए हुए हो क्या, बेस और बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ रहेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस का रिएक्शन। अब एसिड बेस का रिएक्शन है तो फिर कुछ ऐसा बनेगा और कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि SOO- Na+ और H2O, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट सॉल्ट बन गया। अब अगेन क्या होता है ना कि इसे हीट किया जाता है NaOH के साथ अगेन, और भी NaOH का कितना मोल होता है, 2 मोल। अब जब NaOH का 2 मोल यहाँ रहेगा और इसको हीट करोगे इसके साथ, तो यहाँ से देखो इसको अलग अलग लिखते हैं ऐसे, तो ये सॉल्ट डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करके जो है, और ये O- वाला पार्ट जाकर के रिंग में जुड़ता है, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है फिनॉक्साइड का ऐसे, O- Na+, और ये बन गया Na2
ए ऐसे ऐसे बार होता है, इसको भी छोड़ो, ये अगला स्टेप में दिखाएंगे। हाँ तो क्या होगा कि ओ एच जा कर के जुड़ेगा यहाँ ओ एच, और यहाँ से बाहर हो जाएगा एन ए टू एस ओ थ्री सोडियम सल्फाइट, ये ओ एच जाके जुड़ता है। अब जो यहाँ से बना फिनॉल, बस यही नहीं रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि फिनॉल बना है वो एसिडिक नेचर का है और उसी बर्तन में बेस है, तो अगेन एसिड बेस का रिएक्शन होकर के सॉल्ट और वाटर बनेगा। फिनॉक्साइड सॉल्ट तो बनता ही है, फिनॉक्साइड सॉल्ट तो बनता ही है यहाँ से H2O बाहर, और तब जाकर के इसका हम लोग एसिडिफिकेशन कर पाते हैं डाइल्यूट HCl से, H+Cl- तो O-H+ को लेता है और यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका, फिनॉल का, और NaCl बाहर होगा ऐसे। वही हम डायरेक्टली दिखा रहे थे, इसको जब स्टेप वाइज लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही सबसे पहले ये तो हम समझाए तुम्हें, इसको यदि ऐसे करके दिखाओगे एक साथ तो ये तीनों का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे इसको दिखा देना। बेंजीन लिखोगे सबसे पहले, यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड लोगे और यहाँ NaOH लेना और इसका सॉल्ट बनाओगे SO3-Na+। अब इसी में तुम आगे बढ़ सकते हो या फिर अगला स्टेप फॉलो कर दो, यहाँ से अब दो मोल NaOH डायरेक्टली ले लेना, ठीक है, और यहाँ से बना देना फिनॉक्साइड O-Na+, यहाँ से ही Na2SO3 बराबर होगा, और उसके बाद फिर इस फिनॉक्साइड का कर देना एसिडिफिकेशन HCl, तो यहाँ से बन जाएगा फिनॉल प्लस NaC, बस यहाँ तक। अब इसको यदि जोड़ोगे तो एक बार में लिखा जा सकता है SO3H कट जाएगा, E भी कट जाएगा, O-Na+ भी कट जाएगा, तो बचा क्या क्या, तो बचा क्या क्या, यहाँ बच गया बेंजीन, ठीक। बीच में क्या क्या बच रहा है आप सो देखो, यहाँ H2SO4 बचा, कंसनट्रेटेड H2SO4 नंबरिंग करके लिख दो, NaOH और फिर दो NaOH यहाँ भी बचा, तीन मोल NaOH लग गया जा करके ऐसा, और देन HCl भी लगा है एक जगह, तो नंबर थ्री में HCl लिख देना, तब जा करके यहाँ प्रोडक्ट बना है फिनॉल और बाहर हुआ है Na2SO3+NaCl और यहाँ H2O भी निकलेगा H2O ऐसा। तो ऐसे समझ करके चलो या वैसे रट करके चलो, शॉर्ट में लिखो पूरा लिखो एक ही बात है ऐसा। ये था क्वेश्चन नंबर 11.12। ऐसे ही 3-4 स्टेप करके नोट्स में लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है 11.13। सो हाउ विल यू सिंथेसाइज, नंबर वन में वन फिनाइल इथेनॉल बनाना है फ्रॉम या सुटेबल अल्कीन, एक अल्कीन से हमें बनाना है वन फिनाइल इथेनॉल, कैसे बनाओगे जरा सोचो तो, अल्कीन से बनाना है वन फिनाइल इथेनॉल, प्रोडक्ट तुम्हें पता है कि क्या बनाना है ऐसा, ऐसा कुछ बनाना है और ये चीज़ बनाना है किसी अल्कीन से। देखो अब फिनाइल मतलब ये तो है ही, ठीक है, तुम्हें ये काम करना है, ये दो कार्बन वाला कोई अल्कीन ले लेना है। अब ये दो कार्बन वाला कोई अल्कीन यदि लेते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ऐसा। तो इसको कैसे कैसे क्या करोगे कि यह कंपाउंड बनेगा वन फिनाइल इथेनॉल, जरा विचार करो क्या करोगे भाई इसको ताकि ये बने। आई थिंक बड़ा जाएगा प्रोसेस, बन तो जाना चाहिए लेकिन बड़ा जाएगा। बड़ा क्या जाएगा कि यदि आप इस अल्कीन को बदल पाओ अल्डिहाइड में तो बात बन सकता है, तो बात बन सकता है यहाँ से। या फिर वो तो अल्कीन का एडिशन जो है कोई अल्कीन में डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे करो ना, इथीन जो दिया हुआ है उसको पहले हाइड्रेशन कर दो इसका, और जब इसका हाइड्रेशन करोगे तो हाइड्रेशन से बन जाएगा ये इथेनॉल, और इथेनॉल का अल्कोहल में आप पढ़े होंगे इसका डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन जो भी है, कॉपर के साथ 573 क्लीन पे हीट करोगे तो बन जाएगा एसीटल्डिहाइड। अब जब एसीटल्डिहाइड बन गया है तो इस एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या क्लोराइड कुछ ले लो। ये बॉन्ड यहाँ शिप करेगा, ये जा कर के यहाँ अटैक करेगा, बीच में एडिशन कंपाउंड बनेगा CH3CHOH, या डायरेक्ट कुछ नहीं OP-Mg+Cl, और यहाँ जुड़ेगा फिनाइल रिंग। देन इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो CH3CHOH और यहाँ जुड़ जाएगा बेंजीन, बन जाएगा। मतलब अल्कीन को पहले बदलना होगा इसमें अल्डिहाइड में, और ये रिएक्शन हम पढ़ें इस चैप्टर में पढ़ें इसको। हम अल्कीन से जो है पहले अल्कोहल बना लो, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कर दो कॉपर के साथ, या ऑक्सीडेशन कर सकते हो PCC PDC लेकर के अल्डिहाइड तक में रुकेगा रिएक्शन, और फिर इस अल्डिहाइड का रिएक्शन तुम करवा दो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फिनाइल वाला पोर्शन लेकर के, तो वहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वन फिनाइल इथेनॉल। कोई और भी तरीका हो सकता है क्या ये बनाने का? कोई और भी तरीका? तो आई थिंक एक तरीका और हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, एक तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? कि सबसे पहले क्या करो ना, इस बेंजीन का जो है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा दो डायरेक्ट अल्कीन से, जैसे क्यूमिन बनाने के लिए होता था एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा इथाइल बेंजीन डायरेक्ट। अब इथाइल बेंजीन का साइड चेन हैलोजिनेशन करवाओ Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा हम जानते हैं, तो यहाँ CHCl CH3 बेंजाइलिक कार्बन पे, और इसके बाद फिर तुम इसका रिएक्शन करवा दो एक बस KOH यानी वो इसे हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो आ जाएगा CHOH CH3। अब ये दोनों में से जो प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना है कर सकते हो, एक ऐसे कि अल्कीन को एसीटल्डिहाइड में बदलो और इस फिनाइल वाले पार्ट को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर के करवाओ, या दूसरा कि डायरेक्ट बेंजीन का रिएक्शन अल्कीन से करवा दो एसिड के प्रेजेंस में, फ्राइडल क्राफ्ट टाइप का रिएक्शन है तो यहाँ इथाइल बेंजीन बनेगा, फिर साइड चेन हैलोजिनेशन करवाओगे बेंजाइलिक कार्बन पे हैलोजन जुड़ेगा जा करके, देन हाइड्रोलाइसिस करोगे वैसे भी डायरेक्ट बन जाएगा। दोनों तरीका है जैसे मैंने बना सकते हो, और रिएक्शन दोनों हम लोग पढ़े हुए हैं, नया कुछ भी नहीं है, ना तो वो रिएक्शन नया है ना तो ये रिएक्शन नया है, दोनों हम पढ़े हुए हैं। उसमें मोस्टली यूज हुआ है पीछे हैलोकेन हैलोरिन वाला पोर्शन, इसमें अल्कोहल वाला ही सारा यूज हुआ है, ठीक है। तो पढ़े हुए हम लोग दोनों हैं, किसी से भी आप बना सकते हो।
नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका, सेकेंड नंबर में बनाना है हमें साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हेलाइड बाई एन SN2 रिएक्शन। एक अल्काइल हेलाइड लेना है, SN2 रिएक्शन करवाना है, ये दो चीज़ कंपलसरी है, और उससे प्रोडक्ट हमें बनाना है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है, ज़रा स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, आइडिया तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल ये बनाना है, और इसके लिए कह रहा है कि तुम्हें कोई SN2 रिएक्शन ही फॉलो करना है, कोई SN2 रिएक्शन फॉलो करना है, अल्काइल हेलाइड से शुरू भी करना है। तो सोचो कौन सा रिएक्शन फॉलो करोगे। SN2 रिएक्शन तुम्हें करवाना है, इससे तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि हेलाइड जो है और तुम्हें चाहिए प्राइमरी, ठीक है। तो एक उपाय इसका हम ऐसे भी करवा सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ बेंजाइल हेलाइड ले लिया, सॉरी साइक्लोहेक्साइल, यहाँ कोई हेलोजन जोड़ दिया जाए, तो ये मोटा मोटी 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री में तो चलता है SN2, और यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो NaOH, तो SN2 तो फॉलो कर ही लेगा यह ऐसे, और SN2 फॉलो कर लेगा तो फिर बन ही जाना है प्रोडक्ट। क्या ऐसे भी एक तरीका है कि साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन ले लो, और इस साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन का रिएक्शन करवा दो एक्वस NaOH या KOH से, तो SN2 रिएक्शन ही यहाँ होगा, और फिर उस SN2 रिएक्शन से जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक तरीका ये है। एक तरीका और आप इसमें क्या यूज कर सकते हो जिससे बने SN2 भी फॉलो करना है, हेलाइड भी लेना है, तो आसान तो होगा नहीं, आई थिंक ये तरीका सफिशियंट है, क्योंकि जैसा कंडीशन दे करके रखा है कि अल्काइल हेलाइड लेना ही है, SN2 फॉलो करवाना ही है, तो इसमें SN2 होगा क्योंकि यह प्राइमरी है 1 डिग्री, हालांकि थोड़ा सा बल्किनेस आया है इसमें, लेकिन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में चलता है, 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कोई और तरीका इसके बारे में सोचो होगा या नहीं होगा, तो आई थिंक हमें नहीं लगता है कि कोई तरीका होगा इसमें साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाने का। ग्रिगनार रिएजेंट वगैरह यदि लेकर के चलते हो तो वहाँ SN1 SN2 होता नहीं है, और हेलाइड तुम्हें लेना ही है, किसी भी हाल में हेलाइड लेना ही है तुम्हें, तो आई थिंक ऐसे ही फॉलो होगा, 1 डिग्री है ना, SN2 होता है, ठीक है रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। पेंटेन 1 ऑल यूजिंग ये सूटेबल अल्काइल हेलाइड, पेंटेन 1 ऑल बनाना है कोई अल्काइल हेलाइड का इस्तेमाल करके, तो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट पेंटेन 1 क्लोरोपेंटेन वगैरह ले लो, CH3CH2CH2CH2CL, 1 2 3 4 5, इसका रिएक्शन करवा दो एक्वस NaOH या KOH से, चूँकि यह 1 डिग्री है तो SN2 फॉलो करेगा, रीअरेंजमेंट जैसा कुछ नहीं होना है, डायरेक्ट बन जाएगा CH3CH2CH2
CH2OH डायरेक्ट बन जाए। ठीक है, तो ये तीन ही था, वन फिनाइल इथेनॉल बनाना था अल्किन का इस्तेमाल करके, साइक्लोएक्साइल मिथेनॉल बनाना था अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके SN2, और ये तीसरा पेंटेन वनॉल बनाना था कोई अल्काइल हैलाइड से, बन गया तीनों। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11.14, गिव टू रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। सबसे पहले बोल रहा है कि दो रिएक्शन दो आप, टू रिएक्शंस फॉर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। उसके बाद कह रहा है कि फिनॉल और इथेनॉल का एसिडिक नेचर को आप कंपेयर करो, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, फिनॉल एंड इथेनॉल, इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। दो पार्ट में है, सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखो जो फिनॉल के एसिडिक नेचर को सपोर्ट करता हो। अब यदि फिनॉल एसिड है तो एसिड के जो जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस पे जाओ, एसिड मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, अल्कली से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाता है, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट से होता है रिएक्शन, लेकिन फिनॉल तो नहीं कर पाता है वह रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन आप लिख सकते हो फिनॉल का एसिडिक नेचर के लिए, कि फिनॉल यदि रिएक्शन करे सोडियम मेटल से तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा हाइड्रोजन गैस, एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन इसमें लिख सकते हो एसिड बेस वाला, कि फिनॉल यदि एसिड है तो कोई बेस से रिएक्शन करेगा अल्कली से, और रिएक्शन करके यहाँ से के प्लस प्लस H2O सॉल्ट और वाटर बनेगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन जो है इसका नहीं होता है फिनॉल का, तो एसिडिक नेचर के लिए ये दो रिएक्शन हम लोग लिख दिए, एक मेटल से और दूसरा अल्कली से। लिटमस पेपर का तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, हालांकि लिख सकते हो कि एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, लेकिन रिएक्शन लिखना है हमें। तो हो गया ये दो रिएक्शन, इस पर थोड़ा ध्यान दो, फिनॉल और इथेनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, ज़्यादा एसिडिक कौन है फिनॉल और इथेनॉल में, ये फिनॉल है और ये इथेनॉल है। पीके वैल्यू पे जाओगे तो फिनॉल का पीके वैल्यू 10 के आसपास है और इसका पीके वैल्यू 16 के आसपास है, और जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होता है वो हम जानते हैं पीके का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पीके ज़्यादा तो एसिडिक का स्ट्रेंथ कम, पीके कम तो एसिडिक का स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो पीके वैल्यू के आधार पे डायरेक्ट तो हमें पता चल रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कि क्यों वह ज़्यादा एसिडिक है, तो करो क्या कि दोनों को आयोनाइज करो, और जब दोनों को आयोनाइज करोगे तो फिनॉल बनाएगा फिनॉक्साइड ओ माइनस और एच प्लस, वैसे ही इथेनॉल बनाएगा इथॉक्साइड ऐसा एच प्लस। अब यह जो बना है दोनों ये कॉन्जुगेट बेस है, एक कॉन्जुगेट बेस है, इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस इथॉक्साइड और फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड। और याद रहे कि जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होता है किसी भी एसिड के लिए वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम जानते हैं कि यह जो फिनॉक्साइड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको आप यहाँ शिफ्ट करोगे ऐसे इसका रेजोनेंस होगा, बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, हम लोग बनाए हुए हैं पहले ऐसे, लेकिन इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिखोगे कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल दैट इज फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, व्हाइल द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेनॉल दैट इज इथॉक्साइड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब सिंस द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ इथेनॉल, दैट्स वाई फिनॉल हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू रिलीज एच प्लस आयन एंड इच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन इथेनॉल। एकदम ऐसे ही जैसे बोले हैं वैसे ही लिख दोगे इस बात को,
कि चूंकि इन दोनों में से H प्लस लूज करने के बाद ज़्यादा स्टेबल ही है, तो H प्लस लूज करने के बाद जब ज़्यादा स्टेबल ही है तो यही ना H प्लस लूज करना चाहेगा जी। हैं, अब तुम कोई काम कर रहे हो, काम करने के बाद पहले से कम संतुष्ट हो रहे हो तो क्यों काम करोगे? तो हम वही काम करेंगे जिसमें हम पहले से ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो यह H प्लस लूज करने के बाद पहले से ज़्यादा स्टेबल है तो हमेशा लूज करना चाहेगा, इसके पास उल्टा पड़ जा रहा है तो ये कभी लूज नहीं करना चाहेगा। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से फिनॉल का H प्लस रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, और H प्लस रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि वह एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा फिनॉल। ठीक है, चैप्टर में ये सब हम लोग डील किए हुए हैं, बस उसी को अभी क्वेश्चन आंसर का फॉर्म दे रहे हैं, मैंने समझो कि चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है। बस यहाँ से वीडियो देखते आप चलते हो जदि तो डायरेक्ट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11.14 तक हमने कर लिया, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11.15, 16 वगैरह जो बच गए हैं आगे के क्वेश्चन, उसे हम लोग करेंगे आगे के लेक्चर से। बस चैप्टर हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि चैप्टर को एक दो बार रिवाइज कर लो पढ़ करके, उसके बाद रटने का काम करो आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू। क्वेश्चन आंसर के थ्रू यदि आप चैप्टर को रट लेते हो तो फिर एग्ज़ाम के लिए भी हो जाएगा आसान, समझ में भी आ जाएगा। और ऑर्गेनिक है ना, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, कुछ पिछला चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ या इस चैप्टर का क्वेश्चन आगे का चैप्टर में जाएगा, तो ऐसे करके चलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट फिर हम लोग आगे से कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।